सो वेलकम बैक गाइस टू अनाइम टाइम मोमेंट्स। आज के दिन हम बात करने वाले हैं सोलैंड के ऑफिशियल एपिसोड 64 पर। तो हम लोग आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले तो हम ड्रैगन मास्टर को देखते हैं, जो कि युहाओ के सामने कम्पीट करने के लिए आ चुका होता है, जिसके साथ ही युहाओ सबसे पहले अपनी फर्स्ट टेक्निक को लीश करता है, जिसका पावर लेवल देखते ही ड्रैगन मास्टर कहता है इस लड़के का कल्टीवेशन लेवल इंसान और नेचर के दरमियान पहुँच चुका हुआ है। ये शायद से अपनी सारी स्ट्रेंथ को एक ही टेक्निक के अंदर जमा कर रहा है, ताकि एक ही टेक्निक का यूज करते हुए ये इस बैटल को जीत जाए। और इसी के साथ ही हम देखते हैं युहाओ को, जो कि अपनी फर्स्ट टेक्निक को लीश करता है, जो टेक्निक मास्टर मोएन ने युहाओ को सिखाई हुई है। और इवन के युहाओ अगर कम लेवल पर होने पर भी इसे यूज करे तो ये टेक्निक फिर भी अपने आप में ही काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। बट फिर भी ये ड्रैगन मास्टर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती, और इवन के वो अपनी जगह से एक इंच के लिए भी नहीं हिलता और बहुत ही ज्यादा आसानी से इस टेक्निक को डिफेंड कर लेता है। और उसी के साथ ही युहाओ से कहता है, तुमने मोएन की सोवरियन स्ट्राइक को काफी ज्यादा हद तक मास्टर कर लिया हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है, मगर इस टेक्निक से तुम मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाए और तुम्हारे पास दो चांसेस बचे हैं। जिसके साथ ही यहाँ पर आइस एम्प्रेस अपीयर होती है, और इसी के साथ ही युहाओ अपनी सेकंड टेक्निक को लीश करता है, जो कि एम्परर पाल्म फ्रॉस्ट बाइट होती है। और ये टेक्निक भी काफी ज्यादा हद तक स्ट्रॉन्ग टेक्निक होती है, बट अफसोस ये कि युहाओ इसे ड्रैगन साउल मास्टर पर यूज कर रहा होता है, जिसकी वजह से ये टेक्निक कुछ भी ज्यादा डैमेज नहीं दे पाती। मगर जबकि एक्सट्रीम आइस अपने आप में ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी वजह से युहाओ इस सारे एरिया को फ्रीज करने के बाद जैसे ही सारी आइस को एक्सप्लोड करवाता है, तो उसकी वजह से ड्रैगन मास्टर की बॉडी कुछ हद तक फ्रीज हो जाती है। जिसका सबसे पहला मतलब तो ये निकलता है कि युहाओ कुछ हद तक ड्रैगन मास्टर के डिफेंस को ब्रेक कर लेता है, क्योंकि उसे ब्रेक करने के बाद ही युहाओ की आइस की पावर उसकी बॉडी को रीच करती है। मगर ये टेक्निक भी ड्रैगन मास्टर को उसकी जगह से हिला नहीं पाती, जिसके साथ ही मास्टर यान कहते हैं, जैसे ही ये बैटल कम्प्लीट हो तुम युहाओ को जल्दी से लेकर शेक एकेडमी में वापस चली जाना, चाहे फिर इसके लिए मुझे अपनी लाइफ की कॉस्ट ही क्यों ना देनी पड़े। मैं हर हाल में युहाओ को यहाँ से जिंदा बचाना चाहता हूँ, और ड्रैगन मास्टर को मैं तब तक रोक कर रखूंगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं युहाओ अपनी थर्ड टेक्निक को लीश करता है, जो कि डेफिनेटली लास्ट की दोनों टेक्निक से ज्यादा पावरफुल होती है। इवन के इसमें युहाओ अपनी सोल रिंग को भी यूज कर रहा होता है, जिस टेक्निक का नाम एम्परर स्वॉर्ड होता है, और इस टेक्निक के अंदर मौजूद ओरा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्स दे रहा होता है, जिसे देखते हुए ड्रैगन मास्टर इवन अपनी स्पिरिट पावर को भी यूज करता है। मगर इसे डिफेंड करते हुए ड्रैगन मास्टर कुछ हद तक अपनी जगह से हिलता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी न्यूज होती है। और इसे यूज करते हुए इवन युहाओ की बॉडी पर इसके काफी ज्यादा बैड इफेक्ट्स आ रहे होते हैं, क्योंकि युहाओ का अपनी साउल को ओवर यूज करने की वजह से ब्लड लॉस कंटिन्यूसली होता जा रहा होता है। बट जब के युहाओ का फाइनल अटैक होता है, तो युहाओ इसे एंड तक पुश करता है, और जैसे ही युहाओ थोड़ी सी पावर और पुट करता है, तो वो ड्रैगन मास्टर को उसकी जगह से काफी ज्यादा दूर तक हिला देता है, जिसे डिफेंड करने के लिए ड्रैगन मास्टर को अपनी साउल पावर यूज करना पड़ती है। और साउल टेक्निक को यूज करते हुए ड्रैगन मास्टर युहाओ की इस टेक्निक को बीट कर पाता है, और इसी की शॉक वेव की वजह से युहाओ भी काफी ज्यादा पीछे जाकर गिरता है, जिसे कि मास्टर यान संभाल लेते हैं और युहाओ की बॉडी में साउल पावर ट्रांसफर करते हुए उसकी जान बचाते हैं। तो युहाओ का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? अभी के लिए युहाओ का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज अपनी पावर को ओवर यूज करना है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी काफी ज्यादा हद तक क्रिटिकल कंडीशन में चली जाती है। तो जैसे ही ये फाइट कम्प्लीट होती है, उसी के साथ ही ड्रैगन साउल मास्टर उससे कहता है, मैंने अपनी मार्शल साउल को यूज किया है, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ लगाई हुई बैट हार चुका हूँ। और ये कहते ही ड्रैगन मास्टर जाने ही लगता है कि उसके साथ आया साउल मास्टर उससे कहता है, क्या आप युहाओ को यहाँ से ऐसे ही जाने देंगे? ये हमारे पास इसे कैप्चर करने का बहुत ही अच्छा चांस है। मगर उसी के साथ ही ड्रैगन मास्टर उससे कहता है, मैं अपनी बात से कभी भी इनकार नहीं करता और ना ही अपने प्रॉमिस को तोड़ने वाला हूँ। अगर तो तुम स्टिल युहाओ को कैप्चर करना चाहते हो, तो तुम यहाँ पर मौजूद दोनों के साउल मास्टर्स के साथ फाइट कर सकते हो। बट जैसे ही ये कहते हैं, एम्परर मास्टर यहाँ से जाने लगता है, तो तब तक मिस्टर श्वान यहाँ पर अपीयर हो जाते हैं, जो कि आल्सो युहाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आए होते हैं। बट जैसे ही मास्टर श्वान यहाँ पर आकर ड्रैगन मास्टर को देखते हैं, तो उसे देखते हुए मास्टर श्वान भी काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं, जिन्हें देखते ही ड्रैगन मास्टर कहता है, मुझे काफी ज्यादा देर हो गई है तुम्हें देखे हुए। मगर मास्टर श्वान का क्वेश्चन यहाँ पर ये होता है कि क्या तुम अभी तक जिंदा हो? जो सुनते ड्रैगन मास्टर कहता है, हाँ मैं तो अभी तक जिंदा हूँ, हालांकि मोएन मर चुका है, मगर मैं फिर भी नहीं मरा। जो कहते ड्रैगन मास्टर यहाँ से डिसअपीयर हो जाता है, और उसका चमचा भी उसके पीछे पीछे यहाँ से चला जाता है, जिसके साथ ही मास्टर श्वान युहाओ को लेकर यहाँ से निकलते हैं। और जाते हुए रास्ते में युहाओ उनसे पूछता है कि ड्रैगन एम्परर साउल मास्टर और मेरे टीचर का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, जिस पर मिस्टर श्वान उसे बताते हैं, मास्टर मोएन और ड्रैगन मास्टर जिसका नाम शाओ याओ है, वो दोनों अपनी यंग एज में काफी ज्यादा फेमस हुआ करते थे और कॉन्टिनेंट के वाइड एडवांस साउल मास्टर्स
स्कूल साउल कॉन्टेस्ट में एक दूसरे के साथ मिले थे, जो कि आज से 200 साल पहले हुआ था, जहां पर मास्टर मुएन के पास होली लाइट ड्रैगन मार्शल साउल थी, वहीं पर शाओयो के पास होली डार्क ड्रैगन मार्शल साउल थी, और इन दोनों को कंपटीशन में ब्लैक और व्हाइट होली ड्रैगन का टाइटल मिला था। तब के वक्त इन दोनों को सिर्फ एक ही इंसान कम्पीट कर सकता था, जिसका नाम शी शुई था, जो कि एक फीमेल साउल मास्टर थी। कंपटीशन के बाद ये तीनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे, जो सुनते युहाओ पूछता है, तो फिर अभी के लिए ड्रैगन मास्टर मेरे टीचर से इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है? जिस पर मिस्टर श्वान उसे बताते हैं, ये सब भी शीशुई की वजह से हुआ है। हालांकि मास्टर मुएन ने मुझे ज्यादा बातें तो नहीं बताई, मगर मुझे इस बात का पता है कि ये सब कुछ सिर्फ शीशुई की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से मास्टर मुएन और लांग शाओयाओ के दरमियान काफी मर्तबा ही एपिक बैटल्स होती रही है। जिसके बाद जैसे ही मास्टर मुएन को कुछ ऐसी इंजरीज हो गई थी जिनको के ठीक नहीं था किया जा सकता, जो सब उन्हें बॉडी क्लैन के लीडर के साथ फाइट करते हुए हुई थी, तो उसके बाद मास्टर मुएन लॉन्ग शाओयाओ के साथ फाइट करने के लिए नहीं गए और अपने चैम्बर में ही रेस्ट करते रहे, जो सब आज से 100 इयर्स पहले हुआ था। जिसके बाद शाओयाओ भी कहीं पर डिसअपीयर हो गया था, जिसके बाद युहाओ शीशुई के बारे में पूछता है, जिस पर मास्टर श्वान उसे बताते हैं, शीशुई अपने टाइम में काफी ज्यादा फेमस साउल मास्टर हुआ करती थी और उसने भी आज से 100 इयर्स पहले कॉन्टिनेंट को मुकम्मल तौर पर शेक कर रख दिया था, जिसके बाद वो इवल साउल मास्टर बन गई थी। जो बातें करते हुए ये लोग शेक एकेडमी में पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचने से पहले युहाओ अपने माइंड में सोचता है, मैं काफी साल के बाद वापस आ रहा हूं और मैं अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। मगर उसी के साथ ही मिस्टर श्वान उससे कहते हैं, तुम एकेडमी में वापस आने के बाद सी गॉड पेविलियन में ही रुकने वाले हो और जैसे ही इवेंट मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद मैं तुम्हारे रहने के लिए कोई जगह अरेंज कर दूंगा। जिस पर युहाओ इवेंट के बारे में पूछता है कि ये इवेंट क्या है, मगर उसे कोई भी नहीं बताता और ये सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। मगर उसी के साथ ही युहाओ इन सब से कहता है, मैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए काफी देर के बाद वापस आ रहा हूँ, तो मैं उन सब के लिए कुछ गिफ्ट्स बाय करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैं श्रेक सिटी में शॉपिंग करने के लिए रुक रहा हूँ और मैंने क्वेश्चन आंसर्स के लिए ऑलरेडी कम्युनिटी में पोस्ट कर दी है, जहाँ पर जाकर आप लोग सीरीज से रिलेटेड अपने क्वेश्चंस को ड्रॉप कर सकते हो, नो मैटर वो सीरीज किस नॉवल से बिलोंग करती है। मैं हमेशा की तरह आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। जिसके साथ ही हमारा पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।